जो सदैव अनवरत गतिमान रहने का संदेश देता है। वीरता, समृद्धि, हरियाली, त्याग का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज। कभी इसे फहराने पर हमें लाठियां खानी पड़ती थी, सेनानियों को कुर्बानियां देनी पड़ती थी, लेकिन आज ये सब समाप्त हो चुका है और हमारे देश का गौरव, हमारी आन बान शान, हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान का परिचय हमारा राष्ट्रीय ध्वज लाल किले की प्राचीर से फहराता हुआ और हृदय में प्रसन्नता का भाव जगाता हुआ। और इस समय हम देख रहे हैं कि जो सम्मान कारक है विसर्जन की मुद्रा में सबसे आगे दिल्ली पुलिस, फिर वायुसेना, फिर नौसेना और फिर थल सेना, उसके बाद दैन विसर्जन की मुद्रा में धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। कहां देखते हैं और जो बच्चे तो उसे इंतजार कर रहे थे, इस समय प्रधानमंत्री महोदय उनकी ओर देखकर हाथ हिला रहे हैं और बच्चों का जवाब बस देखने वाला है। लग रहा है वो अपने दिल की सारी भावनाएं इस समय ला देने वाले हैं। और क्यों न हो, ये देश युवा देश है, सबसे अधिक संख्या युवाओं की है और ये बच्चे हमारे कर्णधार हैं। और ऐसे स्थल पर आकर उन्हें मालूम चलता है कि देश क्या होता है, देश प्रेम क्या होता है, कैसे अलख जगाई जाती है, कैसे विकास किया जाता है। जिस बात का चिंतन सभी लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय उसके आज 15 अगस्त 2017 को उधर रेडियो में सारे प्रोग्राम बताए जा रहे हैं। अभी हमारे प्रभु भारत की धड़कन, भारत रत्न, भारत की आँखें नरेंद्र मोदी जी का भी संबोधन होगा। एक चीज और भी है, प्रधानमंत्री महोदय जो साफा पहन कर आते हैं तो उसको देखने की चीज होती है, पूरा राष्ट्र का गौरव, उसका दर्प, उसका सम्मान झलक आता है इस छवि को देखकर, उस धीर गंभीर और ऊर्जावान छवि को देखकर। और सबकी निगाहें इस समय जो अंतर सेना पुलिस सलामी गारत थी राष्ट्रीय सैल्यूट करने के बाद बिल्कुल नेपथ्य में जा रही है प्रस्थान की मुद्रा में, और प्रधानमंत्री महोदय मंच पर उन्हें देख रहे हैं और उसके पश्चात आ रहे हैं देश को संबोधित करने के लिए। कुछ क्षणों में माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं पूरे देश को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बस कुछ पल की प्रतीक्षा और। तीन पुष्प भी खेले हैं, एक अभी थोड़ी देर में खेलेगा, अद्भुत पुष्प है, साल में एक बार खेलता है। आजादी के पावन पर्व पर देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय हो प्रभु, जय हो, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूरा देश स्वतंत्र पर्व के साथ साथ जन्माष्टमी का पर्व भी मना रहा है। वाह, मैं मेरे सामने देख रहा हूं बहुत बड़ी मात्रा में बाल कलिया भी यहां उपस्थित है। सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के हम सब धनी हैं। देश की आजादी के लिए, देश की आन बान शान के लिए, देश के गौरव के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, यात्राएं दे रहे हैं, बलिदान दिया है, जाग और तपस्या की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी महानुभावों को, माता बहनों को,
मैं लाल किले की प्राचीर से 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से शत शत नमन करता हूँ। जय हो प्रभु। आदर करता हूँ। जय प्रभु। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय हो प्रभु। कभी कभार प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों को बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अच्छी वर्षा देश को फलने फूलने में बहुत ही योगदान देती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का नतीजा है कि कभी कभी ये प्राकृतिक आपदा संकट भी मोल लेते हैं। पिछले दिनों देश के कई भूभागों में इस प्राकृतिक आपदा का संकट आया। पिछले दिनों अस्पताल में हमारे मासूम बच्चों की मौत हुई। ये सारी संकट की घड़ी, दुख की घड़ी सवा सौ करोड़ देशवासियों की संवेदना है। इस आपत्ति में सबसे साथ और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे संकट के समय पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जन सामान्य की सुखाकारी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ भी करने में हम कमी नहीं रहने देंगे। वाह मेरे प्यारे देशवासियों, ये वर्ष आजाद भारत के लिए एक विशेष वर्ष है। अभी पिछले सप्ताह ही क्विट इंडिया मूवमेंट के 75 साल हमने स्मरण किया। ये वर्ष है जब चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं। ये वर्ष है जब साबरमती आश्रम की शताब्दी का भी वर्ष है। ये वर्ष है जब लोकमान्य तिलक जी, जिन्होंने कहा था स्वराज जरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जनचेतना जगाने के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा को प्रारंभ किया था, उसको भी 125वां वर्ष। एक प्रकार से इतिहास की ऐसी तारीख है जिसका स्मरण, जिसका बोधपाठ हमें देश के लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देता है। हम आजादी का 70 वर्ष और 2022 में आजादी के 75 साल, 1942 से 1947 देश ने सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया, अंग्रेजों के नाको समिया दिया और 5 साल के भीतर अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ा।